सो यूनिट थ्री एंड यूनिट फोर की बात कर लेते हैं डी के और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने शॉर्ट में ही लिखे हैं और तुम्हें तो बस आइडिया देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक्स सारे कौन कौन कवर करते हैं तो डेटा माइनिंग पे तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आना ही है क्योंकि यूनिट थ्री पूरा डेटा माइनिंग से भरा है तो अगर डेटा माइनिंग की पहली लाइंस अगर सुनना चाहो तो ये देख लो कि एक प्रोसेस है एनालाइज करना लार्ज डेटा सेट्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए और रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट्स सेकेंड पार्ट है वट इज़ द के डी डी प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट मतलब यूनिट थ्री का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है वो के डी डी है और मैं इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी वीडियो में तो अभी तो ये शॉर्ट ये शॉर्ट में बता रखा है कि के डी डी प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा बेस विच इंक्लूड डेटा क्लीनिंग इंटीग्रेशन सेलेक्शन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ये सारे स्टेप्स याद होने चाहिए ठीक है थीके? तो इनको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसी वीडियो में तो टेंशन ना लो और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फिर आता है थर्ड वाला वट आर द एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग इन बिजनेस और बिजनेस में किस तरह से डेटा माइनिंग यूज होती है तो इस पर भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि डेटा माइनिंग कैन बी यूज इन बिजनेस फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट हेडिंग डाल के उसका पैराग्राफ लिखना फिर मार्केटिंग फिर रिसर्च फिर गेनिंग इन फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इस तरह के तुम्हें पैराग्राफ वाइज लिखना होगा बड़ा क्वेश्चन आया तो, तो वट आर बेनिफिट ऑफ तो डेटा माइनिंग डेटा माइनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है अगर जब डेटा माइनिंग को एक्सप्लेन करोगे तो बेनिफिट भी लिख सकते हो तो इट कैन हेल्प बिजनेस इन इम्प्रूविंग कस्टमर रिलेशनशिप इंक्रीज प्रॉफिट आइडेंटिफाइंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रिड्यूसिंग कॉस्ट इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट एंड गेनिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ठीक है ये है हमारे पार्ट्स तो क्लासिफिकेशन इन डेटा माइनिंग क्या है तो so, टेक्निक्स है डेटा माइनिंग टेक्निक्स यू टू ग्रुप सिमिलर डेटा आइटम टुगेदर बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर शायद मैंने डिस्कस भी कर रखा है तुम्हें पेपर के टाइम पर वाट इज डिसीजन ट्री ये भी ये भी बात हो रखी है डिसीजन ट्री की कि डिसन ट्री इंडक्शन इज़ अ क्लासीफिकेशन मैथड दैट यूज़ इज अ ट्री लाइक मॉडल है ना ट्री लाइक मॉडल देखते हैं पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस के लिए और चांस इवेंट्स रिसोर्स कॉस्ट यूटिलिटी ये सब होते हैं उसमें के एन एन एलगोर्दम अगेन जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चन के एन एन से आ सकता है क्योंकि यूनिट थ्री में देखने को मिला है ये और क्लस्टरिंग का क्वेश्चन यूनिट फोर का भी है देखते हैं के नियरस्ट नेबर्स इज़ अ क्लासीफिकेशन मैथड दैट अ साइंस अ क्लास टू वन न्यू डेटा ठीक है तो एक क्लास देनी है हमें मैंने बताया था ना कि हम नए डेटा को क्लास देने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा तो के नियरेस्ट नेबर बनाते हैं और जो नया डेटा आइटम है बेस्ड ऑन द मेजोरिटी क्लास ऑफ के नियरेस्ट नेबर तो उसके आसपास की जो नेबर क्लासेस हैं वो नेबर डेटा हैं उनकी क्या क्या क्लासेस हैं उसके बेसिस पे बनाते हैं एक ट्रेनिंग डेटा सेट में तो व्हाट आर द इश्यूज़ रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रोडक्शन इन डेटा तो इशू क्या क्या है इशूज़ रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रोडक्शन इन्वॉल्व ओवर फीटिंग अंडर फीटिंग ये सारे क्या इशूज़ आते हैं तो जब भी तुम्हें बोलेगा कि जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं प्रेडिक्ट करते हैं तो दिक्कतें कहाँ कहाँ आती हैं तो इनके पॉइंट्स लिख सकते हो कि वो लो बायस हाई वेरियंस ये सारी चीज़ें पड़ी थी ना तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो कि ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग बायस डेटा इम्बेलेंसड डेटा एंड मिसिंग डेटा नाइन्थ क्वेश्चन आता है कि वट आर द मेजर टेक्निक्स फॉर डेटा माइनिंग डेटा माइनिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वट इज़ डेटा माइनिंग वट आर इट्स मेजर टेक्निक्स या वट आर इट्स बेनिफिट्स तो इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है ठीक है तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट इतने एक एक लाइन के पैराग्राफ लिख रखे हैं तो मैं समझ में आए कि हमें पैराग्राफ क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एसोसिएट रूल माइनिंग एंड सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग पे बनाना है तो इनके बारे में पढ़ सकते हो तो तब तुम तब जाके तुम टेक्निक्स लिखवाओगे वट इज़ एसोसिएशन रूल माइनिंग इन डेटा माइनिंग अब एसोसिएशन रूल माइनिंग एंड डेटा माइनिंग टेक्निक यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन आइटम इन लार्ज डेटा सेट जो लार्ज डेटा सेट होता है उसके बीच में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करता है सच एस फ्रीकवेंट आइटम सेट्स एंड एसोसिएट रूल्स तो एक चीज़ समझ आई तुम्हें कि जो ऊपर डेटा माइनिंग की टेक्निक बताई मैंने कि क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग एसोसिएट रूल माइनिंग सिक्वेंशियल बैटर माइनिंग तो उनमें से कोई एक भी उठ के आ सकता है ठीक है वो कितने मार्क्स का होगा ये तो कैसे बता सकते हैं तो ये देखो यूनिट थ्री में हमारा क्या क्या आ रहा था डेटा माइनिंग आ रहा था उसकी डेफिनेशन नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस के डी डी तो के डी डी पर क्वेश्चन बन सकता है और शायद आएगा भी है ना तो डेटा माइनिंग एप्लीकेशन बिजनेस कॉन्टेक्स क्या है उसका माइनिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट रिसर्च टूल्स टूल्स देख लेना क्या क्या टूल्स हैं और डेटा माइनिंग फॉर मार्केटिंग बेनिफिट्स ऑफ डेटा माइनिंग मेजर मेजर डेटा माइनिंग टेक्निक्स क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन इशू रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन और डिसीजन ट्री इंडक्शन के एन एन एल को नियरेस्ट नेबर यूनिट फोर जो है इसमें क्या है कि तुम्हारे पास कुछ सेट ऑफ टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं एक तो के मीन हो गया क्लस्टर डिटेक्शन हो गया तो क्लस्टर डिटेक्शन क्या है प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट इन टू क्लस्टर है ना क्लस्टर फॉर्म में ग्रुप कर देना बेस्ड ऑन सिमिलर सिमिलैरिटी अमंगते हैं जो जिनमें सिमिलैरिटी है उसके बेसिस पे के मीन्स में क्या करता है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है ये भी तो पहले तो क्लस्टर बनाने सिमिलरिटी के बेसिस पे क्लस्टर बनाने दैट पार्टी दैट पार्टी डेटा से इनटू टू के क्लस्टर्स तो अब अलग अलग क्लस्टर बनाने वेयर के इज़ द प्री डिटरमाइंड नंबर ये जिसको हम पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं आउटलायर एनालिसिस ये सारे टर्म्स आने चाहिए आइडेंटिफाइंग डेटा पॉइंट और ऑब्जेक्ट दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा कुछ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं तो वो सारे आउटलायर्स कहलाते हैं विच मे बी ड्यू टू एरर्स एनोमलीज और इंटरेस्टिंग इवेंट्स ठीक है इंटरेस्टिंग इवेंट्स पे भी क्वेश्चन बनाएं तो वो भी बता दूंगा मैं तो बोल रहे कि आउटलाइड एनालिसिस क्या होते है कि ऐसे डेटा जो कि ज़्यादा ही बिहेवियर मतलब अक्सर आंसर जो है वो वन टू थ्री फोर करके आ रहे हैं मगर एक डेटा ऐसा है जिसका टेन थाउजेंड आ गया तो ये तो अनॉमली हो गई ना तो मेमोरी बेस्ड रीजनिंग होती है डेटा माइनिंग टेक्निक है दैट यूज हिस्टोरिकल डेटा मेमोरी बेस्ड यानी हिस्टोरिकल डेटा टू मेक प्रडिक्शन ठीक तो तुम लिख पाओगे इसके बारे में भी लिंक एनालिसिस होता है एग्जामिनिंग रिलेशनशिप और लिंक बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट सच दैट अब बिटवीन वेब पेजेस और बिटवीन पीपल इन अ सोशल नेटवर्क तो लिंक ढूंढने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारा वेदर इट इज़ फेसबुक फ्रेंड या फिर वेब पेजेस की बात करें तो माइनिंग एसोसिएशन रूल्स इन लार्ज डेटाबेस माइनिंग एसोसिएशन रूल्स क्या हैं डिस्कवरिंग रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन आइटम्स और वेरिएबल इन लार्ज डेटा सेट तो यूनिट थ्री और यूनिट फोर जो है सिमिलर सी चीज़ें हैं जेनेटिक कलकोम है कि सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट मे मिक द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन जिस तरह से हम, हमारा जेनेटिकली हम इन हम इवॉल्व हुए हैं उसी तरीके से ये एल्गोरिथम सर्च बिल ऑप्टिमाइजेशन करती है न्यूरल नेटवर्क अ डेटा माइनिंग टेक्निकट यूज इज़ द मॉडल ऑफ ह्यूमन ब्रेन हमारी ब्रेन का मॉडल यूज़ करती है टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा डेटा माइनिंग टूल्स ये टूल्स दिमाग में रखना कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म दैट आर डिज़ाइन टू असिस्ट इन द प्रोसेस डेटा माइनिंग जैसे कि डेटा प्रिपरेशन डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ये तो हर जगह लिख देना ठीक है कि ऐसे टूल्स जो कहाँ हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में एनालिसिस में विजुअलाइजेशन में शायद हम टूल्स कवर कर चुके हैं नहीं याद नहीं याद आ रहा तो हम प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो या शायद नहीं करें नहीं करे होंगे नहीं करें देख लेते हैं वरना आज ही कर देंगे कि एक्सप्लेन के मीन एल्कोर्दम अब देखो इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है बड़ा कि के मीन एल्कोदम समझाओ और यूनिट थ्री में के एन एन था तो अगर के मीन समझाना है तुम्हें और उसको क्लस्टर डिटेक्शन के कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइड स्टेप बाई स्टेप मैथड है ना कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है तो हम सबसे पहले देखो डायग्राम दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो बिफोर के मीन्स ऐसा था और आफ्टर के मीन्स हमने क्या करा कुछ ग्रीन हो गए कुछ ब्लू हो गए कुछ ब्लैक हो गए है ना तो हमने उनको अलग, अलग अलग क्लस्टर्स में डाल दिया तो के मीन एल्गोरिथम एक पॉपुलर क्लस्टरिंग टेक्निक है इन डेटा माइनिंग विच एम टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट इन टू के क्लस्टर्स तो के क्लस्टर में बना दिया बेस्ड ऑन दियर डिस्टेंस टू द क्लस्टर सेंटर क्लस्टर के सेंटर से कितना डिस्टेंस है उसके बेसिस पे तो स्टेप ऑफ के केमिंग एल्गोरिथम आर एस फॉलोज क्या क्या स्टेप्स हैं ठीक है तुम इसको ऐसे वन बाय वन करके ले सकते हो मैंने गैप देने की कोशिश की थी हुआ नहीं फिर इनिशियलाइज के क्लस्टर सेंटर्स रैंडमली फ्रॉम द डेटा पॉइंट तो हम क्या करते हैं मान लो कितना भी है मतलब ऊपर वाले फिगर में तो तीन दिख रहे हैं मगर तुम तो कितने भी क्लस्टर्स जो हैं वो रेंडमली मान लेते हैं कि सेंटर्स सेंटर्स पे हैं सेकेंड असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट क्लस्टर सेंटर बेस्ड ऑन यूक्लिडियन डिस्टेंस ठीक है यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज करके हम नियरेस्ट क्लस्टर के अग, असाइन कर सकते हैं थर्ड पॉइंट कहते हैं था द देंट्रॉयड ऑफ ईच क्लस्टर तो हर क्लस्टर के सेंट्रॉयड को रिकैलकुलेट करना है ऑन द मीन ऑफ इट्स मेंबर पोजीशन और मतलब सेंटर से डिस्टेंस यूज करके और रिपीट करना है टू और थ्री अंटिल द क्लस्टर सेंटर कवर द सर्टेन नंबर ऑफ हाइट्रेशन इन रिसर्च तो जैसे जैसे करके वो डॉट्स और आगे आगे कवर करता जाएगा धीरे धीरे वो एक क्लस्टर को ही पकड़ लेगा जब तक तो हम सेकेंड और थर्ड को रिपीट करते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ के एन ए कैन बी डेमोस्ट्रेटेड विद द सेट ऑफ टू डी पॉइंट्स तो यहाँ पे टू डी दिखा रखा है क्योंकि थ्री डी दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये थ्री हो या फोर हो ठीक है वेयर केज दसू थ्री द इनिशियल क्लस्टर सेंटर्स द रेंडमली चूजन एज तो यहाँ पे क्या करें इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके सेट कर दिया कि के तीन है और इनिशियल रैंडम रैंडमली सेंटर्स चूज़ करें टू कामा टेन फाइव कामा एट और वन कामा टू तो तुम बेटर क्या कर सकते हो ग्राफ बना सकते हो उसमें ऐसे पॉइंट्स चूज़ कर सकते हो और नियरेस्ट क्लस्टर ढूंढ सकते हो तो इस तरह का तुम बना के लिख सकते हो अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहे हो तो ठीक है फिर सेंट्रॉइड्स निकालने की कोशिश हुई डेटा पॉइंट्स आर देन रीअसाइन टू द नियरेस्ट क्लस्टर जैसे हमने नए सेंड्रॉयड निकाले तो हमें पता चल गया कि उनका क्लस्टर कौन सा कौन सा सेपरेट आउट होता है तो नियरेस्ट क्लस्टर सेंटर अगेन बेस्ड ऑन द अपडेटेड सेंट्रॉयड्स एंड द प्रोसेस इज रिपीटेडिल सेंट्रॉयड कवर कवरेज टू स्टेबल वैल्यूज़ ठीक जब तक स्टेबल वैल्यूज ने गेन कर लेता फाइनल आउटपुट ऑफ के मीन एल्दम इज अ सेट ऑफ के क्लस्टर विद द सेंट्रॉयड वैल्यू इन मैंबर डेटा पॉइंट तो फाइनल आउटपुट क्या होगा कि जो एलगोर्दम हमने लगाई उससे के क्लस्टर बन गए ठीक है अगर तीन के की वैल्यू थ्री थी ऊपर वाले क्वेश्चन में तो वहाँ पे हमें थ्री के थ्री क्लस्टर्स मिल गए जिनके सेंट्रज वैल्यू और मेंबर डेटा पॉइंट सबके साथ ओवरऑल क्या होता है के मेन एलगोर्दम कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर डिटेक्टिंग क्लस्टर ये क्लस्टर डिटेक्शन में बहुत ही पावरफुल टूल है लार्ज डेटा सेट में खासकर विद कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड इट कैन बी अप्लाइड ऑन वेरियस डोमेन जैसे कि मार्केट मार्केट सेगमेंटेशन कस्टमर प्रोफाइलिंग एंड इमेज प्रोसेसिंग इन सब में ये बहुत बड़ा रोल करता है सो so, मैंने क्वेश्चन की लिस्ट में दो क्वेश्चन और ऐड करें जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा कि डिस्क्राइब एनी टू रिक्वायरमेंट गैदरिंग मैथड फॉर बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस डेटा वेयर हाउस बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग मैथज होते हैं तो इंटरव्यूज़ इंटरव्यूज़ क्या दिस मैथड इंटरव्यूइंग द की स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट तो जो स्टेक होल्डर है उसका इंटरव्यू लिया जाता है सच एज बिजनेस एनालिस्ट या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या एंड यूजर तो द गोल ऑफ द इंटरव्यू इज़ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस नीड कि बिजनेस को चाहिए क्या रिक्वायरमेंट क्या है बिज़नेस की इंटरव्यूर कैन आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन टू गैदर इन्फॉर्मेशन ठीक है ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं जो एक बार क्वेश्चन पूछने के बाद बहुत सारे डायमेंशन uh, में बहुत सारी चैनल्स uh, में ट्रैवल हो सकते हैं जिससे कि हमें एक थ्रू आउट आइडिया मिल जाए और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एयर भी हो सकता है वो मर्जी है इंटरव्यूअर की टू इंश्योर ऑल नेसेसरी टॉपिक जो है वो कवर हो जाए और इनफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम द इंटरव्यूज कैन बी यूज्ड टू डेवलप डेटा वेयर हाउस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो जब भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात आएगी तो इंटरव्यू याद रखना और जेड याद, याद रखना जेड है जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन तो ये एक फैस जेड इज़ अ फैसिलिटेटेड वर्कशॉप दैट इन्वाल्व ब्रिंगिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ़ स्टेक होल्डर टुगेदर रिक्वायरमेंट्स और द स्टेक होल्डर्स कैन इंक्लूड बिजनेस एनालिस्ट तो क्या होता है जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन अब सारे के सारे स्टेक होल्डर्स वेदर इट इज़ एंड यूजर एनालिस्ट है प्रोग्रामर जो भी है सारे के सारे आपस में क्या करते हैं गैदर होने के बाद रिक्वायरमेंट डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे डेटा वेयर हाउस में क्या क्या होना चाहिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये था एक्स्ट्रा वाला कि डिज़ाइन एन इन्फॉर्मेशन पैकेज फॉर एन ऑटोमेकर सेल्स कंपनी तो हमें पहले पता अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इन्फॉर्मेशन पैकेज वाला तो इन्फॉर्मेशन पैकेज क्या होता है ये तो पता होना चाहिए ना तो देखो इस तरह का कुछ बनता है ऑटोमेकर सेल्स कंपनी का कैटेगरी हमारी सेल्स है डिस्क्रिप्शन क्या है कि सेल्स बाय मंथ कितना हुआ रीजन कितना हुआ मॉडल एंड डीलर ठीक है अगर हम सेल्स की बात करें इन्वेंट्री आ जाता है इन्वेंट्री लेवल बाय मॉडल एंड डीलर फिर प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन शेड्यूल बाय मॉडल क्वालिटी डिफेक्ट रेट बाय मॉडल एंड प्रोडक्शन बैच कस्टमर कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट बाय रीजन एंड डीलर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन इफेक्टिवली इफेक्टिवनेस बाय रीजन एंड मॉडल उसके बाद फाइनेंशियल की बात करें तो रिवेन्यू एंड प्रॉफिट जो मंथ रीजन और डीलर के बेसिस पे है अगर मैं पॉइंट वाइज बताऊँ तो एग्जीक्यूटिव समरी ठीक है पहला पॉइंट की अब वेरीफ ओवरव्यू ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन पैकेज इंक्लूडिंग की मैट्रिक्स एंड साइड फिर आते हैं सेल्स डैशबोर्ड सेल्स डैशबोर्ड बनाते हैं अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स डेटा इंक्लूडिंग टोटल रिवेन्यू यूनिट सोल्ड एंड अदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के पी आई दिस डैशबोर्ड कैन बी इंटर एक्टिव अलाउंग यूजर टू फिल्टर बाई प्रोडक्ट रीजन और अदर वेरिएबल्स मार्केट एनालिस्ट उसके बाद कस्टमर सेगमेंटेशन इसको पॉज करके पढ़ सकते हो तुम नाम से ही पता चल रहा है तो मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सी आर एम एनालिसिस मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंस और ओवरऑल द इन्फॉर्मेशन पैकेज शुड भी प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू फॉर ऑटोमेकर सेल्स कंपनी है ना जो इन्फॉर्मेशन पैकेज होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देना चाहिए कि सेल्स क्या क्या हुई मार्केट ट्रेंड्स क्या थे कस्टमर का इनसाइट्स क्या क्या निकले और मार्केटिंग एफर्ट्स क्या क्या लगे इट शो ऑल्सो कस्टमाइजेबल इट शुड ऑल्सो कस्टमाइजेबल अलाउंग यूजर्स टू फिल्टर डेटा एंड जनरेट कस्टमर रिस्पॉन्स इज नीडेड ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स हो गए ये दो नए क्वेश्चन थे और हम और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यूनिट थ्री और यूनिट फोर से आ रखे हैं सो so, तुम्हें याद होगा कि हमने दो हज़ार अठारह का पेपर जब डिस्कस किया था तो डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल फैक्टलेस फैक्ट टेबल यहाँ तक डिस्कस कर लिया था अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की जिसमें यूनिट थ्री और यूनिट फोर भी कवर होती है तो आ, ये सारे क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं तो इनको भी देखते हैं एक बार फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच कॉपरेट कैन प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग ठीक है हालांकि फिफ्थ यूनिट टू का है मगर देख लो उसके बाद सिक्स से देख लेंगे कि क्या क्या वेज हैं जिससे कॉपरेट कैन प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन और हर किसी को डिटेल में बताओ तो बड़ा क्वेश्चन था ये तो वेज़ इन विच कॉप कॉपरेशन कैन प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग क्या क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस पहला वे है बिजनेस इंटेलिजेंस द यूज़ ऑफ डेटा एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट ठीक है हम डेटा एनालिस टूल्स का यूज़ कर रहे हैं कि इनसाइड एक्सप्रैक्ट करने के लिए फॉर डेटा एंड इट्स डिसीजन मेकिंग फिर आता है डैशबोर्ड एंड स्कोर कार्ड्स बताने की जरूरत नहीं है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है अभी अभी जब हमने स्ट्रेटिजिक इंफॉर्मेशन वाला सेल्स कंपनी का देखा था उसमें भी ये सब था डेटा वेयर हाउसिंग द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग स्टोरिंग मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है ना प्रिडिक्टिव एनालिसिस स्टैटिक और मशीन लर्निंग uh, स्टैटिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ करने के लिए कि हम हिस्टोरिकल डेटा से प्रेडिक्ट कर पाए फ्यूचर आउटकम्स और स्टिमुलेशन इंड मॉडलिंग द क्रिएशन ऑफ मॉडल एंड स्टले टू टेस्ट डिफरेंट सिनारीो ये भी हो गया सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि वो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग फॉर टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री तो यूनिट थ्री में हमने देखा था कि किस तरह से इंडस्ट्री डेटा माइनिंग को इफेक्ट कर रही है मतलब उल्टा बोलते हैं डेटा माइनिंग से इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है एप्लीकेशन डेटा माइनिंग फॉर टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री क्या है कस्टमर सेगमेंटेशन की यूज ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक टू ग्रुप कस्टमर बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर डेमोग्राफिक एंड प्रिफ्रेंसेज अब जैसा भी कस्टमर होगा जिस रीजन में बिलोंग करता होगा जिस भाषा का प्रयोग करता होगा जो आसपास इन्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पर कस्टमर सेगमेंट हो रहे हैं श्रन प्रोडिक्शन यानी द यूज़ ऑफ़ डेटा माइनिंग टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स वो आर लाइकली टू लीव द कंपनी एंड टेक प्रियमटिव एक्शन टू रिटेन दम है ना तो हम ऐसे ऐसे कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कंपनी छोड़ सकते हैं जो लीव कर सकते हैं और प्रियमटिव एक्शन लाने मतलब उनको रिटेन करने के लिए अलग से जाके बात कर सकें ऐसा भी हो सकता है फ्रॉड डिटेक्शन द यूज़ ऑफ डेटा माइनिंग टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एक्टिविटीज़ है ना सच एज अनऑथराइज यूजेज और बिलिंग ये भी हम डेटा माइनिंग से देख सकते हैं फिर आता है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन द यूज़ ऑफ डेटा माइनिंग टू ऑप्टिमाइज द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूर परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस कॉस्ट सही बात है तो नेटवर्क की इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं और सी डी आर एनालिसिस अब ऐसे मैं सोचना कि पेपर में पूछा जाएगा एक्सप्लेन सी डी आर एनालिसिस एंड टू पॉइंट फाइव मार्क्स है ना तो इसके बारे में नहीं पता होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो द एनािस और सी डी आर डेटा टू आइडेंटिफाई कॉलिंग पैटर्न एंड ट्रेंड्स एंड इम्प्रूव नेटवर्किंग प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड तो एनालिसिस ऑफ कॉल डिटेल रिकॉर्ड डेटा टू आइडेंटिफाई कॉलिंग पैटर्न एंड ट्रेंड्स फिर आता है ये वाला क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं मगर कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा क्योंकि यूनिट थ्री में के जो है वो एकदम डेटा माइनिंग और के दो ही चीज़ें हैं तो एक्सप्लेन विद डायग्राम नॉलेज डिस्कवरी फेज अब इसमें जो है इसके अलग अलग फेजेज़ होते हैं है ना तो तुम जैसे मर्जी फेज़ को डिफाइन कर सकते हो कि डेटा सेलेक्शन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द रिलेवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डेटा प्रोसेसिंग सिलेक्शन समझ में आ गया प्रोसेसिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डेटा टू प्रिपेयर इट फॉर एनालिसिस ठीक है एक्सप्लेन विद डायग्राम लिखा तो नीचे डायग्राम जरूर बना देना मैं दिखा रहा हूँ अभी प्रोसेस करना मतलब सलेक्शन समझ में आ गया रिलेवेंट डेटा को सेलेक्ट करना प्रोसेस प्रोसेसिंग मतलब क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मिंग एंड इंटीग्रेटिंग रिडक्शन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी एनालाइज और माइनिंग मतलब प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वेरियस डेटा माइनिंग टेक्निक्स मीनिंगफुल एंड इनसाइटफुल डेटा को लेने के लिए पैटर्न इवेलुएशन मतलब पैटर्न ढूंढना इनसाइट में से और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन अ फॉर्मेट दैट इजीली अंडरस्टैंडेबल ठीक है नॉलेज यूटिलाइजेशन उस नॉलेज का यूज़ करके उस नॉलेज का यूज करके डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना एक्जैक्टली exactly मैंने गीस पर गीक से लिया है देखो ऊपर नॉलेज है पैटर्न है डेटा माइनिंग है पैटर्न टास्क रिलेवेंट डेटा डेटा सेलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्लीनिंग करा वेयर हाउस है इंटीग्रेशन है डेटा बेस है तो इस तरह का डायग्राम जरूर बना देना फिर आ जाते हैं सेवन्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन जो कि मैं पढ़ लेता तो हूँ एक बार कि मेटा डेटा क्या है ये सब सेवन पॉइंट फाइव और फाइव मार्क्स के आखिरी वाला तो टू पॉइंट फाइव के पाँच पार्ट थे तो ऐसा भी आ सकता है तो वट इज़ मेटा डेटा वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट अब देखो सारे पहलुओं पर टच करेंगे हम कि मेटा डेटा क्या है क्यों इम्पॉर्टेंट है तुम तो ऐसे लिख सकते हो मेटा डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हो वन एंड हाफ मतलब एक पेज में एक्सप्लेन कर देना उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस उसकी मल्ट मल्टी डायमेंशनल डेटा और क्या टाइप्स हैं ना तो हाफ पेज में मेटा डेटा एक्सप्लेन हो गया फिर ये एस एस करके कर देना ठीक है ये मैंने शॉर्ट में लिखा है अगेन कह रहा हूँ क्योंकि तुम अब जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ोगे उतना बोर हो जाओगे या फिर कीवर्ड नहीं मिल पाएंगे मुश्किल होगी मेटा डेटा रिफर टू द डेटा दैट प्रोवाइड इफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा ठीक है जो दूसरे डेटा के बारे में इंफॉमेशन थे तो इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन लाइक द स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्वालिटी लोकेशन एंड मीनिंग ऑफ डेटा ठीक तो ये सारी चीज़ें बताता है डेटा के इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इनेबल एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ़ डेटा एंड फैसिलिटीज़ अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स ये बात हो गई रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश होती है मल्टी डायमेंशनल डेटा रिफर टू द डेटा दट इज़ ऑर्गेनाइज इन अ वे दैट इनेबल एफिशियंट एनालिसिस मल्टी डायमेंशनल डेटा नाम से ही पता चल रहा है कि इस फॉर्म में हमने पहले तो डायमेंशनल है और दूसरा एफिशियट एनालिसिस के लिए डायमेंशन बनती है तो इट इज़ यूज इन ओलैब सिस्टम एंड इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन टू डायमेंशन मेजर एंड हेयर की तो जब भी ओलैब के बारे में बात आएगी तब भी तुम मल्टी डायमेंशनल हो गए जब मल्टी डायमेंशन की बात आएगी तो ओलैब लिओगे मेजर डेटा इज असेंशियल इन मल्टी डायमेंशन अगला क्वेश्चन आ गया ना? कि क्यों असेंशियल है तो एज इट हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ डेटा एंड एनेबल एफिशियट नेविगेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा तो ये पेपर आसानी है मगर हमें टर्म्स पता होनी चाहिए बस क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि क्यों जरूरी है क्योंकि वो ईजी ईजिली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेविगेट कर सकते हैं डेटा में ना डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर डेटा क्या क्या है इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव मेटर डेटा अगर तुम नेट पे थोड़ा सर्च करोगे तो अलग अलग तरह के मेटर डेटा दिखेंगे तो वो याद कर लेना और वही सब यहाँ पे भी लिख रखे हैं मगर एक पैराग्राफ फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव मेटर डेटा इफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ डेटा तो जब भी बोलेगा टाइप्स ऑफ मेटर डेटा बताओ तो पॉइंट वन लिखना डिस्क्रिप्टिव मेटर डेटा जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी स्ट्रक्चर एंड कंटेंट की सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर डेटा जिसमें इंफॉमेसन होगी डेटा की ओनरशिप की एस राइट्स की यूज यूज की है ना फिर आता है टेक्निकल मेटर डेटा ये इन्फॉर्मेशन होगी डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग की तो ये तीन हो गए डिस्क्रिप्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल और भी होंगे तो देख लेना सेवन क्वेश्चन पे आ जाता है सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑपरेशनल सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम पाँच नंबर का सवाल है तुम इसको इस पैराग्राफ फॉर्म में लिखो या फिर एक टेबल बना दो अब टेबल कैसे बनाए वो नीचे मैंने बना रखी है पहले ये देख लो ऑपरेशनल सिस्टम आर डिज़ाइन टू सपोर्ट डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है डे टू डे ऑपरेशन को सपोर्ट करता है दे आर ट्रांजक्शन ओरिएंटेड इन डिज़ाइन टू कैप्चर द प्रोसेस लार्ज वालीम ऑफ ऑपरेशनल डेटा इन रियल टाइम तो ये चीज़ समझ में कि ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड होते हैं पहले तो डे टू डे ऑपरेशन फिर दूसरा ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड और डिज़ाइन क्यों करे जाते हैं टू कैप्चर प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशनल डेटा इन रियल टाइम दे आर ऑप्टिमाइज फॉर डेटा एंट्री एंड रिट्रीवल एंड सपोर्ट द नीड ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और बिजनेस यूनिट्स ठीक है इस काम के लिए सपोर्ट करते हैं कि डेटा एंट्री को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की सपोर्ट करने के लिए बिजनेस यूनिट्स के फिर आता है इन्फॉमेशन सिस्टम तो ऑन द अदर हैंड आर डिजाइन टू प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग विद टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम नाम ही समझ में आ रहा है कि पहले तो इन्फॉर्मेशन गेन क्यों करते हैं हम कोई ना कोई निर्णय लेने के लिए ठीक है जिस कार को ख़रीदना है उसके लिए पहले इन्फॉर्मेशन गेन होती है तो so वैसे ही इसमें भी इंफॉर्मेशन गेन है डिसीजन मेकिंग के दे आर एनालिटिकल इन नेचर एंड आर यूज टू प्रोसेस एनालिसिस डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज है ना तो so, जो भी हम कार खरीदने जाते हैं वो यहाँ पे लिख रखा है और वो डे टू डे एक्टिव ऑपरेशन था ठीक है उसमें क्या कर रहा है और ओरिएंटेड था टू तो प्रोवाइड इनसाइट एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एट गे अ स्ट्रेटेजिक लेवल ठीक है दे आर ऑप्टिमाइज फॉर रिपोर्टिंग एनलिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन एंड डिज़ाइन टू सपोर्ट द नीड ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अगर हम इसका टेबल बना के पढ़ना चाहें तो ऑपरेशनल सिस्टम और इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या अंतर है पहले ऑपरेशनल में डे टू डे ट्रांजेक्शन को डिज़ाइन किया होता है टू एग्जीक्यूट डे टू डे ट्रांजेक्शन जैसे कि तुम अपना पासबुक होती नहीं बैंक की पासबुक में एंट्री करवाते हो ट्रांजेक्शन दिखाई देती हैं उसमें ये क्या डिज़ाइन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी प्रोवाइड रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेस और ये हिस्टोरिकल और समराइज डेटा एनालिसिस करता है ऑपरेशनल करता है टिपिकल डी टिपिकली दी, डील्स टिपिकल विद स्ट्रक्चर डेटा और ये डील करता है सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड तीनों से और डेटा इन इज ट्रांसैक्शनल एंड करंट अब तुम बताओ डे टू डे एग्जीक्यूशन हो रहा है तो कैसे वो अनस्ट्रक्चर हो सकता है स्ट्रक्चर्ड ही होना चाहिए और डेटा इज ट्रांजेक्शनल एंड करंट डेटा इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड टाइम वेरिएंट डेटाबेस डिज़ाइन इज नॉर्मलाइज डेटाबेस डिज़ाइन इज डी नॉर्मलाइज फॉर फास्ट क्वेरिंग ठीक है एक नॉर्मलाइज होता है दूसरा डी नॉर्मलाइज होता है एट्थ और आखिरी क्वेश्चन हमारे पेपर का जो 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 मतलब इनमें से इन पाँच में से कोई एक ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता क्या पता मोल ऐप और रोल ऐप में डिफरेंस ही आ जाए कुछ भी आ सकता है तो ये पाँच जो है अगर पेपर में आते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि तुम्हें पाँच नंबर में पता है कि मतलब ट्वेल्व पॉइंट फाइव नंबर कहाँ कैसे कैसे करके मिल रहे हैं ठीक मतलब तो है मोलैप मतलब मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग तो एक मेथड है फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ मल्टी डायमेंशनल डेटा बेस ठीक है पहले डेफिनेशन पहले फुल फॉर्म उसके बाद डेफिनेशन कैसा कि हम डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा बेस में तो ये एक मैथड है विच इनेबल फास्ट क्वेरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा मोलैप यूजेज स्पेशलाइज स्टोरेज इंजन एंड प्री कम्प्यूट एग्रीगेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है इट प्रोवाइड फास्ट क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम बट कैन ऑल्सो लिमिट बाय द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन हैंडल तो क्या करता है स्टोरेज इंजन पहले तो स्पेशलाइज स्टोरेज इंजन को यूज़ करता है जिससे कि वो एग्रीगेट एग्रीगेशन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव परफॉर्मेंस को कंप्यूट कर पाए और इट प्रोवाइड फास्ट क्वेरिंग रिस्पॉन्स फास्ट okay, काम होता है कैन भी लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन हैंडल बस डेटा में थोड़ा लिमिट आ सकता है कि कितना वो डेटा हैंडल कर सकता है इसकी लिमिट्स हो सकती हैं रोल ऐप में क्या होता है रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग तो एक मैथड है ऑफ स्टोरिंग डेटा या रिलेशनल डेटा वेज दैट इज ऑप्टिमाइज फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ठीक है सेम चीज है रिपोर्टिंग और एनालिसिस के काम आता है बस यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल कुछ नहीं होता बजाय कि इट यूज एस क्यू एल क्वेरीज एस क्यू एल क्वेरीज़ का यूज़ करता है टू एस एस डेटा एंड प्रोवाइड फ्लैक्सीबिलिटी इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा तो रोलैप प्रोवाइड स्केलेबल एंड फ्लैक्सिब डेटा मॉडल बट कैन भी स्लोअर देन मोलैप तो ये स्केलेबल फ्लैक्सीबल तो है ही मगर स्लोअर हो सकता है मोलैप से वैन क्वेरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो लार्ज अमाउंट डेटा की बात आती है अच्छा न्यूट्रल नेटवर्क्स न्यूरल नेटवर्क सॉरी ये क्या है अभी मैंने न्यूरल नेटवर्क का बताया था यूनिट इसमें शायद फोर में आर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट इज़ मॉडल आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन ठीक है मॉडल करा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बेसिस पे दे आर यूज फॉर पैटर्न रिकॉगनाइजेशन क्लासिफिकेशन एंड प्रडिक्शन दे लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल एंड कैन बी ट्रेन टू टू आइडेंटीफाई पैटर्न इन डेटा वो एग्जाम्पल से सीखते हैं और ट्रेन करा जा सकता है पैटर्न ढूंढने के लिए तो न्यूरल नेटवर्क कैन बी यूज वेरियस एप्लीकेशन जैसे इमेज रिकॉग्नाइज करना तुम किसी आदमी से पहले मिले हुए उसकी शक्ल पहचान लेते हो स्पीच उसकी आवाज़ सुन लेना जैसे बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तू कौन है तेरी आवाज़ मैंने सुन रखी है ठीक है मेरे से पूछते हैं कि तू तू ही है ना वो गेट से स्टडी वाला तो स्पीच रिकॉग्नाइज हो रही है वहाँ एंड फाइनेंशियल फ्रॉडकास्टिंग ठीक है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के भी काम आते हैं फिर आते जेनेटिक एल्गोरिथम तो ये वैसे अब छोटे छोटे में कर लिया था थोड़ा इसमें बड़ा पैराग्राफ है देख लेते हैं और अर टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम दैट इज मॉडल्ड आफ्टर द प्रिंसिपल प्रिंसिफ रिश्वर रिवोलूशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है और दे आर यूज टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम बाई आटिवली जनरेटिंग एंड सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन तो यहाँ पर आइट्रेटिव जनरेन सेलेक्शन होता है तो दिस स्टिम्युलेट द प्रोसेस ऑफ नेचुरली सेलेक्टिंग बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट एंड जनरेटिंग न्यू वंस बेस्ड ऑन दें ठीक है मतलब चार में से एक को चूज़ करा उससे जनरेट करा हम, हमने फर्दर तो जेनेटिक एल्गोरिथम्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन जैसे फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स तो फाइनेंशियली अगर हम मार्केट में घुसें तो स्टॉक्स का भी ऐसे कुछ हाल होता है इंफॉर्मेशन पैकेज अभी मैंने इंफॉर्मेशन पैकेज तुम्हें एक सेल्स कंपनी का बताया है ना तुम लिख लिख सकते हो इतना दम रखना तो इन्फॉर्मेशन पैकेज इज अ सेट ऑफ मेटा डेटा एंड डेटा दैट इज यूज्ड टू डिफाइन अ यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ डेटा वेयर हाउस यूनिट ऑफ इनफॉर्मेशन इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा सोर्स डेटा सोर्स ट्रांसफॉमेशन रूल्स डेटा खुद के डेटा के बारे में इनफॉमेशन पैकेज आर यूज टू आइडेंटीफाई डिफाइन डेटा मार्ट्स विच आर सबसेट ऑफ द डेटा वेरहास डेटा मार्ट्स क्या data, data है डेटा डेटा वेरहास के सबसेट हैं तो उनको डिफाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन पैकेज काम आता है और दैट आर ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन और दबल ईजी एसेज टू डेटा सपोर्ट फास्ट क्वेरी एंड एनालिसिस ठीक है बस यही था हमारा पेपर uh, कंप्लीट हो गया और यूनिट थ्री और यूनिट फोर पर हमने खास फोकस करा